चलिए, आज की विजुअल बेसिक की जो क्लास है इसमें हम एक नया कंट्रोल देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने कमांड बटन के बारे में देखा था, आज हम चेक बॉक्स और ऑप्शन बटन के बारे में देखेंगे। आज की जो क्लास होगी उसमें चेक बॉक्स और ऑप्शन बटन कंट्रोल्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक चेक बॉक्स बनाते हैं। मैं यहाँ पर जानबूझ के दो तीन चेक बॉक्सेस आपको बना देता हूँ ताकि आपको चेक बॉक्सेस की जानकारी मिले, और यहाँ पर मैं ऑप्शन बटन बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर दो ऑप्शन बटन्स बनाया मैंने, जिसको रेडियो बटन के नाम से भी जाना जाता है, और तीन चेक बॉक्सेस मैंने बनाए। क्लियर है? तो इसके बाद देखते हैं हम लोग कि आगे। तो चेक बॉक्सेस और ऑप्शन बटन का क्या यूज है देखते हैं। मैंने यहाँ पर चेक बॉक्सेस बनाए तीन, जिसका नाम है चेक वन, चेक टू और चेक थ्री। ऑप्शन वन और ऑप्शन टू नाम से दो ऑप्शन बटन बनाए। जब मैं इसको रन करूँगा यहाँ पर तो आपको फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऑप्शन बटन की खासियत ये होती है कि ये केवल एक ही सिलेक्शन या सिंगल सिलेक्शन देता है आपको। तो यहाँ पर अगर एक से अधिक ऑप्शन बटन है तो आप केवल एक ही को सेलेक्ट कर पाएंगे, लेकिन चेक बॉक्स में आप मल्टीपल सेलेक्ट एक साथ कर सकते हैं। दोनों में सिर्फ यही अंतर होता है, दोनों का काम सेलेक्शन करना होता है। किसी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन बटन आपका सिंगल सेलेक्शन देता है और ये मल्टीपल सेलेक्शन की सुविधा आपको देता है। तो कुछ ऐसी जगहें होती है जहाँ पर आपको मल्टीपल सेलेक्शन करवाना होता है और कुछ जगहों पर आपको सिंगल सेलेक्शन कराना होता है। ऐसी जगहों पर इन दोनों कंट्रोल्स का यूज़ किया जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं हम। अगर मान लीजिए मुझे आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर चेक बॉक्स का जो कैप्शन है उसमें सेट कर दिया मैंने 10th, तो यहाँ पे 10th लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर दूसरे पे मैंने सेट किया 12th, और थर्ड वाले पे मैंने सेट कर दिया बीकॉम या बीसीए, जो भी है ग्रेजुएशन कोर्स। और ऑप्शन पे मैंने सेट किया है, ऑप्शन बटन पे मैंने सेट किया यहाँ पर मेल। सेकेंड ऑप्शन बटन पे मैंने सेट किया फीमेल। तो इस तरीके से अगर मैं इसको रन करता हूं तो रन टाइम पर हमारे पास दो ऑप्शन बटन दिख रहे हैं, एक में मेल लिखा है और एक में फीमेल लिखा है। और दूसरे चेक बॉक्स का एक सेट है, उसमें कोर्सेज के नाम लिखे हैं। आप यहाँ पर मल्टीपल सेलेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन बटन पर आप केवल एक ही सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर आप मेल सेलेक्ट करते हैं तो ये अपने आप डिसेलेक्ट हो जाएगा, और फीमेल सेलेक्ट करेंगे तो मेल अपने आप डिसेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यूजर से गलत इनपुट लेने से आप बच सकते हैं। अगर आप यूजर को चाहते हैं कि वो केवल एक ही सेलेक्ट करे तो आपको ऑप्शन बटन का यूज करना होगा, और अगर आप चाहते हैं कि वो मल्टीपल सेलेक्ट करे तो आपको चेक बॉक्स का यूज करना होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखते हैं। दोनों की लगभग प्रॉपर्टीज सेम होती है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज, कॉमन प्रॉपर्टीज जो थी वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली कॉमन प्रॉपर्टी थी बैक कलर, दूसरी थी फोर कलर, तीसरी थी फॉन्ट, विजिबल और इनेबल्ड। तो इन पांचों को हम पहले भी देख चुके हैं, फिर भी फटाफट इन्हें देख लेते हैं। मैं इसका बैक कलर चेंज करना चाहता हूँ 10th का, तो इसको सबसे पहले मुझे इसको सेलेक्ट करना होगा। प्रॉपर्टी विंडो में यहाँ पे बैक चेक वन आ जाएगा, और यहाँ पर मैं बैक कलर ढूंढूंगा। बैक कलर में बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कोई कलर सेट है, मैं यहाँ पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार कोई कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसी तरीके से मैं दूसरे पर भी कलर सेट कर सकता हूँ और तीसरे पर भी कलर सेट कर सकता हूँ। ये बैक कलर वाला जो ऑप्शन है ये सभी में सेम होता है, यानी कि चाहे वो चेक बॉक्स हो, चाहे वो ऑप्शन बटन हो, चाहे कमांड बटन हो, चाहे कुछ और हो, लगभग यही प्रोसीजर होता है। इसी तरीके से हम अगर इसमें फोर कलर चेंज करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टीज में हमें देखना होगा फोर कलर। ये देखिए आपको फोर कलर मिला यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट ब्लैक सेट है, यहाँ पर दिख रहा है आपको बाय डिफॉल्ट ब्लैक सेट है। और मैं इसको इसका कलर चेंज करके ब्लू कर दिया, इसका कलर चेंज करके मैंने कुछ और कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको रेड कर दिया।
और इसका कलर चेंज करके मैंने येलो कर दिया। तो इस तरीके से अलग अलग कलर चेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बैक कलर और फोर कलर का यूज करके हम इस कंट्रोल की के बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर दोनों को ही सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको सेट किया है। अगली कॉमन प्रॉपर्टी थी फॉन्ट। अगर मुझे इनका फॉन्ट चेंज करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और फॉन्ट प्रॉपर्टी में हम जाएंगे। फॉन्ट अगर मैं यहाँ पर आपको पहले भी ऑप्शन बता चुका हूँ, आप फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, जैसे मैं इसकी फॉन्ट साइज छोटी कर देता हूँ और अंडरलाइन कर देता हूँ, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि फॉन्ट साइज छोटी हो गई है और ये अंडरलाइन भी हो गया है। तो फॉन्ट के द्वारा भी आप इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अगला था विजिबल और इनेबल। इसको भी मैंने पहले बताया है कि अगर मैं टेंथ वाले को इनेबल्ड फॉल्स कर देता हूँ, टेंथ वाले का जो इनेबल्ड है वो मैं फॉल्स करूंगा इसमें, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ट्रू है, मैं इसे फॉल्स कर देता हूँ, तो जिस कंट्रोल को आप इनेबल्ड फॉल्स करते हैं रन टाइम पर वो एक्टिवेटेड नहीं रहता है। अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये डीएक्टिवेट हो गया है और ये वर्क नहीं कर रहा है। डिस्प्ले तो करेगा बट वर्क नहीं करेगा, जबकि ये वर्क कर रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा है। तो जिसका इनेबल्ड फॉल्स होता है वो वर्क नहीं करता है। सेम वैसे ही अगर मैं ट्वेल्थ वाले का जो दिख रहा है चेकबॉक्स, उसका विजिबल मैं फॉल्स कर देता हूँ, तो ऐसे डिजाइन टाइम पर तो दिखाई देगा बट रन टाइम पर ये विजिबल नहीं होगा, यानी कि दिखाई नहीं देगा। जैसे ही मैं रन करूँगा तो यहाँ से ये डिस्प्ले नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपने पांच प्रॉपर्टीज को देखा। ये पांचों प्रॉपर्टीज लगभग सभी में होती हैं और ये कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, इनकी वर्किंग भी सेम होती है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हम देखते हैं जो सिर्फ चेकबॉक्स और ऑप्शन बटन में होती है। पहली प्रॉपर्टी है वैल्यू, दूसरी प्रॉपर्टी है कैप्शन। तो देखते हैं वैल्यू में, ये एक एडिशनल प्रॉपर्टी है जो इसमें होती है और इसमें वर्क करती है। सबसे पहले टेंथ वाले का जो आपका इनेबल्ड था उसको मैं ट्रू कर देता हूँ और इसका विजिबल ट्रू कर देता हूँ ट्वेल्थ वाले का। ठीक है, अब हम लोग एक प्रॉपर्टी देखेंगे जिसका नाम था वैल्यू और दूसरे का नाम था कैप्शन। कैप्शन प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है इस कंट्रोल के टेक्स्ट को सेट करने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं बीकॉम लिखा हुआ है, इसको चेंज करके आपको बीसीए करना है या बीएससी करना है, तो आप सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, कैप्शन प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पर आपको नया टेक्स्ट लेना होगा। मैंने कैप्शन में जो दिया वो यहाँ चेंज हो गया, सेम वैसे ही यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो कैप्शन प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप ऑप्शन बटन और उसके कैप्शन टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वैल्यू। ये प्रॉपर्टी थोड़ी काम की होती है, इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो चेकबॉक्स है उसमें प्रॉपर्टी होती है वैल्यू। तो ये आपको वैल्यू है इसलिए ये आपको यहाँ पर दिख रही है वैल्यू प्रॉपर्टी। और वैल्यू प्रॉपर्टी में तीन प्रकार की वैल्यूज होती हैं, जीरो मतलब अनचेक, वन मतलब चेक और टू मतलब ग्रेड। ये तीन स्टेटस हैं, ये तीन स्टेट हैं जिसको आप इसमें सेट कर सकते हैं। बाई डिफॉल्ट ये जीरो पर रहता है यानी कि अनचेक्ड होता है ये। अगर मैं इसे वन कर देता हूँ तो ये स्टार्टिंग से ही इस तरीके से चेक्ड होगा। जब मैं रन करूँगा स्टार्टिंग में ही ये बाई डिफॉल्ट चेक्ड मिलेगा और इसको अनचेक्ड कर देते हैं। ये दोनों अनचेक्ड है और ये चेक्ड है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर आप देखेंगे वैल्यू के अलावा, तीसरा जो इसका वैल्यू है वो है ग्रेड। इसमें ये पहले से चेक्ड रहता है और थोड़ा सा डिसेबल जैसा डिस्प्ले करता है। तो ये पहले से ही आप इसके कलर की स्कीम पे अंतर देखेंगे तो यहाँ पर तीन चेक बॉक्स हैं, इसकी वैल्यू है जीरो या अनचेक्ड, इसकी वैल्यू है वन या चेक्ड और तीसरे वाले की वैल्यू है ग्रेड या टू। तो तीनों अलग अलग वैल्यू को मैंने सेट किया और स्क्रीन पर कैसे दिखाई देते हैं आप देख सकते हैं। सेम वैसे ही इसमें जो ऑप्शन बटन है इसमें भी वैल्यू प्रॉपर्टी होती है और वैल्यू प्रॉपर्टी में आप जाएंगे तो ये फॉल्स है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है। अगर आप इसको ट्रू कर देंगे तो ये पहले से ही ये सिलेक्टेड रहेगा।
बाद में आप इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब भी रन करेंगे तो पहले से ये वाला जो ट्रू प्रॉपर्टी वाला है वो सिलेक्टेड रहता है। तो इस तरीके से आपने चेक बॉक्स और ऑप्शन बटन को देखा, और ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, इनका यूज़ कब किया जाता है और इनमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे काम करती है। और ये दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो इसी में होती है, जिसमें वैल्यू प्रॉपर्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसमें आपको कोई डाउट है तो आप लोग माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हम अगला जो कंट्रोल है वो देखेंगे। ये दोनों कंट्रोल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑप्शन बटन और चेक बॉक्स में क्या अंतर है। तो दोनों में मुख्य अंतर ये होता है कि ऑप्शन बटन सिंगल सिलेक्शन देता है और चेक बॉक्स जो है वो मल्टीपल सिलेक्शन देता है। अब इसी तरीके का दो कंट्रोल्स का ग्रुप और है, उसको भी हम देख लेते हैं, जिसका नाम है कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स। सेम ऑप्शन बटन और चेक बॉक्स की तरह ये भी होते हैं। कॉम्बो बॉक्स जो है वो सिंगल सिलेक्शन देता है, यानी इसकी तरह होता है, और लिस्ट बॉक्स जो है वो मल्टीपल सिलेक्शन होता है, यानी कि इसकी तरह होता है। तो दोनों ही कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स का, दोनों का ही काम होता है लिस्ट को दिखाना, लेकिन ये सिंगल सिलेक्शन देता है और ये मल्टीपल सिलेक्शन देता है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स को समझाइए या इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस ये है कि इसमें सिंगल सिलेक्शन होता है और ये मल्टीपल सिलेक्शन होता है, और दोनों ही लिस्ट को डिस्प्ले करते हैं। क्लियर है? तो लिस्ट को डिस्प्ले करने के साथ साथ ये सिंगल सिलेक्शन और दूसरा वाला मल्टीपल सिलेक्शन की सुविधा आपको देता है। तो देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। मैं पहले इनको क्लियर कर देता हूँ। सेम यहाँ पर अगर मुझे कोई लिस्ट दिखानी है तो मैं अगर इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये कॉम्बो बॉक्स दिख रहा है और इसमें कोई भी लिस्ट आइटम एडेड नहीं है। सेम वैसे ही ये भी ब्लैंक है। इनका यूज़ क्या होता है पहले हम देखते हैं। अगर कॉम्बो बॉक्स में लिस्ट ऐड करनी है या लिस्ट आइटम ऐड करना है तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है लिस्ट। प्रॉपर्टी का नाम ही है लिस्ट। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो इनमें कुछ ये पांच कॉमन प्रॉपर्टीज तो होंगी ही। बैक कलर, फोर कलर, फॉन्ट, विजिबल और इनेबल। ये मैंने पहले भी बताया है कि ये प्रॉपर्टीज लगभग सभी कंट्रोल में होती है। अब यहाँ पर इसमें दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ इन्हीं में होती है। पहली प्रॉपर्टी है लिस्ट, दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी सॉर्टेड। तो ये दोनों प्रॉपर्टी ऐसी हैं, और तीसरी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट। तो ये तीनों प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो सिर्फ इन्हीं के लिए डिजाइन की गई है। कुछ प्रॉपर्टी जैसे टेक्स्ट है वो दूसरे में भी होता है। ये मान के चलते हैं कि ये तीनों एडिशनल प्रॉपर्टीज है जो कॉमन नहीं है, सिर्फ इनमें यूज होती है। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये वर्क कैसे करते हैं, उनके बाद इन प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर मुझे कोई लिस्ट ऐड करनी है, साथ ही साथ हम लिस्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। हम अभी देख रहे हैं लिस्ट प्रॉपर्टी। अगर मुझे यहाँ पर स्टूडेंट की लिस्ट ऐड करनी है तो यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक लिस्ट प्रॉपर्टी होती है उसे ढूंढेंगे। यह देखिए आपको लिस्ट प्रॉपर्टी मिल रही है, और यहाँ पर आपको एक छोटी सी लिस्ट दिखेगी। आपको यहाँ पर लिस्ट टाइप करनी है, मैंने लिखा अमन, फिर आपको एंटर करना है। मैंने एंटर किया और एंटर करना है कंट्रोल के साथ, फिर वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा भूमिका, उसके बाद मैंने लिखा सुमन। इस तरीके से जैसे ही मैं यहाँ पर ड्रॉप करूँगा और इसको जब रन करूँगा तो ये लिस्ट मुझे दिखाई देगी, अमन, भूमिका और सुमन। सेम उसी तरीके से अगर लिस्ट बॉक्स में कोई लिस्ट ऐड करनी है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट को सेलेक्ट किया मैंने, इसमें एक लिस्ट प्रॉपर्टी होती है। सेम आपको ऐसे ही लिस्ट प्रॉपर्टी ढूंढना है। यहाँ आप देखेंगे लिस्ट वन लिखा हुआ है। लिस्ट प्रॉपर्टी में आप लिखेंगे जो आपको लिस्ट ऐड करनी है, अमन, भूमिका और सुमन। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर भी एक लिस्ट ऐड हो गई है। अब मैं इसे रन करता हूँ, ये आपका ऐसा लिस्ट दिखाएगा ड्रॉप डाउन में, और ये ऐसा यहाँ पर लिस्ट दिखाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने लिस्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करके देखा कि कैसे यहाँ पर लिस्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करके एक लिस्ट बनाई गई थी। अब मैं यहाँ पर एक और नाम ऐड करना चाहता हूँ। कॉम्बो में मैंने ऐड किया, यहाँ पर लिस्ट प्रॉपर्टी मैंने सेलेक्ट की है फिर से,
और यहाँ पर फिर लास्ट में एक और नाम ऐड कर दिया मैंने, आरती। वैसे ही इसमें भी मैंने ऐड किया है, लास्ट में मैंने आरती ऐड कर दिया। अब आप देखेंगे जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पर एक लिस्ट आ रही है जो उसमें पहला जो है वो अमन है और लास्ट में आरती है। ए नाम वाला जो है वो सीक्वेंस पे नहीं है, यानी कि ये ऑर्डर में नहीं रखा हुआ है। वैसे ही यहाँ पर भी ये ऑर्डर में नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये अपने आप इसको ऑर्डर फॉर्म में रख दे या ए टू जेड के सीक्वेंस में इसको अरेंज कर दे। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम हमने यहाँ पर अभी देखा, जिसका नाम था सॉर्टेड। यानी कि अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी सॉर्टेड सेट कर दूँ तो मैं जब लिस्ट ऐड करते जाऊंगा तो किसी भी सीक्वेंस में ऐड होगा, लेकिन जब रन करेंगे तो वो ए बी सी डी या ए टू जेड के फॉर्म में हमको दिखेगा। तो आइए देखते हैं कि सॉर्टेड प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम कंट्रोल्स के लिस्ट को कैसे सॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले इसको डिज़ाइन मोड में ले जाते हैं। मैंने कॉम्बो को सेलेक्ट किया है और इसमें एक प्रॉपर्टी आपको दिख रही है सॉर्टेड, ये फॉल्स है। आपको इसको क्या करना है, ट्रू करना है। सॉर्टेड को ट्रू करते ही आप देखेंगे जब रन करेंगे और जब लिस्ट में देखेंगे तो ये अपने आप इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देगा, जबकि यहाँ पर ये अरेंज नहीं हुआ है। इसे भी मुझे अरेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसका भी प्रॉपर्टी होता है सॉर्टेड, उसको सेट करेंगे। मैंने डिज़ाइन मोड में गया, इसको सेलेक्ट किया और एक प्रॉपर्टी होती है सॉर्टेड, उसको हम ढूंढेंगे और मैंने इसे और ट्रू कर दिया है। ट्रू करते ही यहाँ पर तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं दिखेगा, बट जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि रन करते ही ये सॉर्टेड ऑर्डर में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सॉर्टेड प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप किसी लिस्ट एलिमेंट्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। क्लियर है? लास्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, इसको देख लेते हैं और एक सिंगल सेलेक्शन और मल्टीपल सेलेक्शन भी देखेंगे। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया है और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं एक प्रॉपर्टी ढूंढूंगा जिसका नाम है टेक्स्ट। यहाँ पर कम्बो वन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो इस तरीके से टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करने से मैं इसमें लिखा हुआ जो टेक्स्ट है उसको सेट कर सकता हूँ। जब मैं रन करूंगा आप देखेंगे कि पहले से ये लिखा हुआ है, बट जो सेलेक्ट करेंगे उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। इसके अलावा आप यहाँ पर सिंगल और मल्टीपल सेलेक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप लिस्ट बॉक्स को सेलेक्ट करिए और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है मल्टी सेलेक्ट। ये देखिए आपको प्रॉपर्टी दिख रही होगी मल्टी सेलेक्ट। इसको जब मैं मल्टी सेलेक्ट को ऑन कर दूंगा और जब मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखिए कि इस लिस्ट में से आप किसी एक नाम को ही सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट में से आप एक से अधिक नाम को सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये मल्टीपल सेलेक्शन आपको दे रहा है और ये सिंगल सेलेक्शन आपको देगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इन कंट्रोल्स को हमने यूज़ किया। बाकी ये चार पांच प्रॉपर्टीज जो दिख रही हैं वो सेम वैसे ही है, आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं। सेम वैसे ही मैंने बैक कलर पर गया और यहाँ पर मैंने कलर ले लिया, इसका भी बैक कलर पर जाके मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। तो ये था हमारा आज का जो कंट्रोल था। हमने चार कंट्रोल्स को देखा। ऑप्शन बटन सेम इसकी तरह होता है और सिंगल सेलेक्शन देता है, चेक बॉक्स इसकी तरह होता है और ये मल्टीपल सेलेक्शन होता है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप लोग एक एक करके पूछ सकते हैं माइक अनम्यूट करके।